जिसका मात्र नाम लेने से ही सब दुख दूर होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि अष्टमी के दिन मैं आया हूँ माँ कनकेश्वरी के चरणों में अपना शीश झुकाने। यह स्थल कोड़िनार से 50, ऊना गुजरात से 55, सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंगा से 63, सताधार से 18 और सासनगीर से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक नेचुरल प्लेस के साथ माँ आद्याशक्ति पीठ भी है, जहाँ पर आप माँ के भक्ति के साथ साथ कुदरती सौंदर्य का लुप्त भी उठा सकते हैं। यह स्थल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, इसलिए प्रकृति की गोद में एक बार घूमने के लिए यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए। आप आती है अगर गिर सोमनाथ, कोड़ीनार या फिर ऊना गुजरात से, तो आपको सबसे पहले इस जामवाड़ा चेक पोस्ट पे एक परमिट निकालने को रहता है, जिसमें आपको फिल करनी पड़ती है आपका नाम और आपकी गाड़ी का डिटेल्स। जमजीर चेक पोस्ट से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पे स्थित छोटोवड़ी चेक पोस्ट पे दिखाकर आप जंगल की सीमा में अंदर प्रवेश कर सकते हैं। छोटोवड़ी से लेफ्ट साइड 8 किलोमीटर की दूरी पर है बानेज, जहाँ पर बना हुआ है खूबसूरत महादेव जी का मंदिर, और छोटोवड़ी से राइट साइड 12 किलोमीटर की दूरी पर है माँ कनकेश्वरी का मंदिर। क्योंकि यह मंदिर जंगल सीमा के अंदर आता है, इसीलिए आपको फॉरेस्ट के नियमों का पालन करने को रहता है। आपकी अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपको रास्ते में नजर आ सकते हैं जंगल के वन्य प्राणी। यहाँ के रास्ते भी बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हैं, आपके पास अगर बड़ी सी गाड़ी है तो आप अंदर ले जा सकते हैं, वरना आप फंस सकते हैं और आपको बाहर निकलने में घंटों का समय लग सकता है। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ तो टू व्हीलर को लेकर आएँ। आप अगर रखते हैं शौक एडवेंचर के साथ माँ की भक्ति में लीन होने का, तो यहाँ की विजिट एक बार अवश्य करें, क्योंकि यहाँ के कण कण में बसती है खूबसूरती और माँ आद्याशक्ति। इस मंदिर का जीर्णोद्वार विक्रम संवत 1864 में हुआ था। यह जीर्णोद्वार किसने करवाया था उसके बारे में तो कोई विशेष जानकारी नहीं है, पर तकरीबन 142 साल के बाद विक्रम संवत 2006 में पुराने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके फिर से इस मंदिर का जीर्णोद्वार किया हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे समय के अंतराल पर इस मंदिर के जीर्णोद्वार होते रहे हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यीशु की 8वीं सदी में वनराज चावड़ा नाम के राजा हुआ करते थे, जिनके वंशज कनक चावड़ा ने कंकावटी नगर की स्थापना करके नगर के संरक्षण के रूप में गिर जंगल के बीच माँ कनकेश्वरी की पूजा अर्चना करके माँ के इस मंदिर की स्थापना की। इस स्थल पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को जंगली जानवर के डर से शाम के 6 बजे के बाद बाहर निकलने नहीं दिया जाता। मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए उत्तम व्यवस्था भी उपलब्ध है। वैसे तो यहाँ पर रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं है, पर किसी कारणवश अगर आप रात को यहाँ पर विश्राम करते हैं तो उसके लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक अलग से परमिट निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर 50 लोग ही रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अगर आप रात को यहाँ पर रुकते हैं तो आपको रात को सुनाई देगी जंगली जानवर की आवाज़ें।
आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हो हमारी चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।